नमस्कार, आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट, मैं हूं योगेश कांत। चीन की फितरत में दगेबाजी लिखी है, उसकी सभी पड़ोसी देशों से कभी बनकर नहीं रहती है, लेकिन इस घटिया चालबाज चीन की आदतों को भारतीय रक्षा सूत्र बखूबी समझ चुका है और उसे प्रत्येक स्थान पर भारतीय सेना और भारतीय युवा आए दिन सच का आईना दिखाते रहते हैं। लेकिन फिर भी अपनी आदतों में बेशर्मी लाए हुए चीन सुधार नहीं कर रहा है। उसी को देखते हुए भारतीय रक्षा सूत्र ने बॉर्डर पर लाखों की संख्या में सैनिक उतार दिए हैं। भारत चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम करने जा रहा है। भारत ने फैसला किया है कि वो पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में सैन्य सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाएगा, जिसे चीन अपनी किसी भी चाल में कामयाब नहीं हो सकेगा। अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस भारी वाहन भारत लद्दाख सीमा में भेजे जा रहे हैं। भारतीय सेना ने संवेदनशील इलाकों में भारतीय शूरवीरों की एक फौज लद्दाख में भेज दी है, जिसे चीन की बेशर्मी का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। भारत की सैन्य कार्रवाई से चीन की सांसें थम गई हैं, क्योंकि भारत ने स्पेशल फोर्स से इंजीनियरिंग कोर, एयर डिफेंस, तोप टैंक, 14वीं कोर व नई मिसाइलों से सुसज्जित कर तैनात कर रखा है। इसी के जरिए भारत चीन की नकेल कसने को पूरी तैयारी में है। हम आपको बता दें कि 14वीं कोर लेह में मौजूद है। इसकी जिम्मेदारी है कि वह पूर्वी लद्दाख से सटे LSC की सुरक्षा करे, और ये 14वीं कोर चीन के साथ ही कारगिल, द्रास और बटालिक में पाकिस्तान से सटी LOC और सियाचिन ग्लेशियर पर भी तैनात है। ऐसे में इस कोर को एक पूरी डिवीजन LAC की जिम्मेदारी भी संभालती है। इसे त्रिशूल डिवीजन के नाम से जाना जाता है। हम आपको बता दें कि इस त्रिशूल डिवीजन में क्या क्या होता है। एक डिवीजन में करीब 10,000 इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक, आर्म्ड आर्टिलरी, एयर डिफेंस, इंजीनियरिंग ब्रिगेड आदि शामिल है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो एक डिवीजन की पूरी फोर्स कम से कम 20,000 तक पहुँच जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि शांति काल में भी 20,000 सैनिक इस सीमा पर रहते हैं। स्ट्राइक कोर, चीन के साथ सीमा पर हालात गंभीर होने के बाद भारतीय सेना ने स्ट्राइक कोर को भी लद्दाख भारत सीमा पर तैनात कर दिया है। इस स्ट्राइक कोर में 40 से 50,000 सैनिक होते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यहां स्ट्राइक कोर की दो डिवीजन्स को तैनात किया गया है। करीब 25 से 30,000 सैनिक और ज्यादा सैनिक यहां तैनात किए गए हैं। इसके अलावा बीते 6 साल से सेना की पूरी टैंक ब्रिगेड पूर्वी लद्दाख में तैनात है। सुरक्षा सूत्रों की माने तो चशूल और डेमचेक सिरी के इलाके में T-72 और टॉप टैंक की मुस्तैद किया गया है। इसके साथ ही यहां स्ट्राइक कोर की आर्म ब्रिगेड को भी तैनात किया गया है। LAC पर भारतीय सेना ने तोप तैनात कर रखे हैं। इसके साथ ही सेना ने वेफोर्स एम हिवजर मीडियम और फील्ड गन्स को भी तैनात कर रखा है। जब बात भारतीय हवाई सुरक्षा की आए तो भारतीय हवाई सुरक्षा भी किसी के मुहताज नहीं है। हवाई सुरक्षा में भारतीय सेना ने यहाँ स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम से लेकर रूसी इगला मिसाइल सिस्टम तैनात कर रखा है। इसके साथ साथ भारतीय सेना के वो कमांडो जिन्होंने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को छठी की याद दिला दी थी और चीनी सैनिकों को लद्दाख सीमा से खदेड़कर कई बार सच का आईना दिखाया था, वो भी इस सीमा पर तैनात है। तो यह है भारत की रणनीति जो चीन के महाविनाश के लिए तैयार है, जो कि पलक झपकते ही चीन को अटैक कर सकती है।